दोस्तों सन 2024 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2024 मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि FLP इंडिया अपने ग्रोथ टारगेट्स मीट करने में सफल रही। इन सब के पीछे आप सब FLP के FBOs का, FLP इंडिया की टीम का और FLP ग्लोबल का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है और उसी के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों ये पिछला वर्ष हमारा एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस नोट के ऊपर अंत हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी परफॉर्मेंस से मोटिवेशन लेके हम अगले वर्ष की भी एस्पिरेशंस क्रिएट करेंगे, अपने गोल्स सेट करेंगे और बहुत ही एक अच्छा आरंभ करेंगे। दोस्तों इस साल के बारे में बात करने से पहले क्या हमें पिछले साल की एक समीक्षा कर लेनी चाहिए? जी हाँ, हमने आपसे क्या प्रॉमिसेस किए, हमने खुद से क्या प्रॉमिसेस किए, हम कौन से प्रॉमिसेस में पूर्ण तरह से आगे आ पाए और कौन से प्रॉमिसेस हमारे थोड़े से पीछे छूट गए। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ की एक समरी बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहीं से हम आगे बढ़ेंगे अपनी परफॉर्मेंस को इस साल में आगे ले जाने के। हमने आपसे 2023 के शुरुआत में कुछ प्रॉमिसेस किए, उनमें से एक प्रॉमिस था कि हम साउथ में अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने एर्नाकुलम में एक RDO स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। फिर हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 50,000 CC लगातार क्रॉस करेंगे हर महीने। जी हाँ, हमने 3 महीने लगातार जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर 50,000 CC कंटिन्यूसली क्रॉस किया। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्लोबल रैली, मैनेजर रिट्रीट और EMR क्वालिफायर्स होंगे। हमने इस पे भी एक रिकॉर्ड नंबर अर्जित किया। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम विमेन के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमने अपना पहला विमेन लीडरशिप कॉन्क्लेव भी कंप्लीट किया। उसके बाद कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए, उनमें से एक था हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयरमैन बोनस अचीवर्स होंगे। जी हाँ, हम लार्जेस्ट अपने 22 साल के इतिहास का जो लार्जेस्ट नंबर है वो नहीं बीट कर पाए। उसी तरह हमने आपसे एक और प्रॉमिस किया था कि इंडिया से एक डायमंड मैनेजर निकलेगा। जी हाँ, हम डायमंड मैनेजर भी नहीं निकाल पाए, बट एट द सेम टाइम एक एडिशनल हमने डायमंड सेफायर मैनेजर क्रिएट किया इंडिया में। ये तो थे हमारे प्रॉमिसेस वर्सेस हमारी अचीवमेंट्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और हमने जो अचीवमेंट्स गत वर्ष में करी हैं, मैं उनको आपसे साझा करना चाहता हूं ताकि एक माहौल बने और हमें मोटिवेशन मिले हम अगले साल भी ऐसी ही कुछ अचीवमेंट्स करें। हमने और बहुत सारे नए अचीवमेंट्स किए हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि हमने 5 नए हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए अपने ग्लोबल रेंज से। फॉरएवर आई विजन, फॉरएवर नेचर मैन, फॉरएवर लाइसियम प्लस, फील्ड ऑफ ग्रीन्स और गार्लिक थाइम। इसी के साथ साथ हमने IT के क्षेत्र में भी कुछ नए चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आए, जैसे कि हमने क्विक जॉइनिंग सिस्टम लॉन्च किया, हमने एक FLP वॉलेट भी लॉन्च किया आप लोगों की सहूलियत के लिए। इंसेंटिव्स में भी हम आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेके आते रहे हैं, जैसा कि हमने एक 4x7 इंसेंटिव लॉन्च किया जो कि आपको 4 CC पहले 7 दिन में कंप्लीट करने पे रिकग्निशन देता है। इसके अलावा कुछ क्लब्स क्रिएट किए नए, जैसे कि 50 CC क्लब, 100 CC क्लब, 250 CC क्लब, 400 CC क्लब और तो और हमने 1000 CC क्लब भी क्रिएट किया। आगे आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब क्लब्स में आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों इसके साथ ही हमने 2 नए इंसेंटिव ट्रिप्स भी आप लोगों के लिए क्रिएट किए। एक हमने डोमेस्टिक ट्रिप क्रिएट किया जो कि 4 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर है और एक बढ़िया डोमेस्टिक ट्रिप होगा, और हमने एक लेवल अप इंसेंटिव क्रिएट किया जिसमें कि आपको मौका मिलेगा डोमिनिकन रिपब्लिक की एलो फील्ड्स देखने का। और इसके साथ ही हमने ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत फोकस किया है। हमने गत वर्ष ट्रेनिंग एकेडमी में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है आप लोगों का,
और उसके साथ ही हमने पहला ट्रेनिंग फेस्टिवल किया जिसमें करीबन 15 लाख लोगों की एंगेजमेंट रही है। ये एक सोशल मीडिया का एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस था जो कि एक हफ्ते की परफॉर्मेंस के ऊपर इतना सारा एंगेजमेंट हुआ। दोस्तों, इन सब के अलावा हमने कुछ नए रिकॉर्ड भी अर्जित किए हैं पिछले वर्ष में। सबसे पहले तो हमने अपना रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अर्जित किया अगस्त के महीने में, करीबन 64,000 सीसीज का। इसके साथ ही हमारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ एमआर क्वालिफायर्स रहे, करीबन 202 लोग। और हमने अपनी फॉरएवर ग्लोबल रैली बाली में भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोगों को भेजा। और इसके साथ ही हमारा सेकंड डायमंड से फायर मैनेजर भी बना है इस वर्ष में। नवंबर में हमने इंडिया का सबसे बड़ा सक्सेस डे सेलिब्रेट किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जिसमें कि करीबन 18,000 लोग प्रेजेंट थे, जिनमें आप सब भी उम्मीद करता हूं आए होंगे। और आगे भी हम ये चीज करते रहेंगे और उम्मीद करता हूं आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। दोस्तों, आज का जमाना सोशल मीडिया का है। हमने सोशल मीडिया में भी बहुत मैसिव रीच प्राप्त करी है। पिछले साल में करीबन 100 मिलियन नए फॉलोअर्स अर्जित किए हैं और करीबन 10 करोड़ की रीच हुई है हमारी। आई थिंक ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक नया रिकॉर्ड होगा। तो चलिए देखते हैं गत वर्ष के कुछ शानदार नंबर्स फिर से। ये बातें तो हुई जो हम आपको अपने बारे में खुद बताते हैं, बट दोस्तों हमारे बारे में और लोग क्या कहते हैं और हमें किस तरह के अवार्ड के साथ नवाजा गया है वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमें फोर्थ डायरेक्ट सेलिंग टुडे अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट फॉरएवर एलोवेरा जेल को 2023 के ग्लोबल ग्रीन ब्यूटी अवार्ड्स में सिल्वर मेडल से नवाजा गया। हमने पिछले साल ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन अर्जित करी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल हम नंबर 1 पोजीशन पाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे को देश भर के 500 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर्स ने और ऑनलाइन पब्लिकेशंस ने अपने एंगेजमेंट में हिस्सा दिया। आप सब लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हम सामाजिक कार्यों में भी पीछे नहीं रहे हैं। हमने रेक्स मोहन फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन के तहत काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट की है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सन 2024 की। इसमें हमारा विजन क्या रहेगा और हम इनको कैसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, सन 2024 के लिए हमारे सीईओ सर ग्रेग मोहन ने हमें 1,00,000 सीसी का चैलेंज दिया है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है 100% ग्रोथ। जो आज हमारी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर 100% ग्रो करेंगे तब हम जाके अपना टारगेट अचीव करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ ही अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखेंगे, सारी दुनिया में हर तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल है और हम इस माहौल में भी पिछले साल ग्रो करे हैं और उम्मीद करता हूं कि इस साल भी हम ये 100% ग्रोथ का टारगेट अचीव करके रहेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप 100% ग्रोथ अचीव करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो अपने अपने गोल सेट कर लीजिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। 2024 की जर्नी को कम चैलेंजिंग बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं हम आप लोगों के लिए। इस वर्ष में बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं जो ज़्यादा प्राइस, ऊंची प्राइस के इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के मुकाबले कम प्राइस के होंगे और आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही हमारा ईगल मैनेजर रिट्रीट जो कि इटली में होने वाला है, एक क्रूज है रॉक द बोट, उम्मीद करता हूं कि आप उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक्साइटमेंट और मोटिवेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टिसिपेंट्स को लेके आने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसका अवार्ड भी इस बार डबल है, क्योंकि जो भी अचीवर होगा उसको 2 कमरे मिलेंगे क्रूज के ऊपर, ताकि वो अपने 2 एडिशनल गेस्ट को लेके आ सके। जी हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्रूज के लिए। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप इसमें काम करने को तैयार हैं? क्या
क्या आप अपनी 100% ग्रोथ अर्जित करने को तैयार हैं? अगर हैं तो जरूर अपने अपने कमेंट्स दीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर और बताइएगा अपनी एक्साइटमेंट, दिखाइएगा अपनी एक्साइटमेंट। इतना बड़ा टारगेट आप सोच के घबरा रहे होंगे कि ये कैसे अचीव होगा। दोस्तों, मैंने तो ये टारगेट ले लिया है, आप भी ले लीजिएगा ये टारगेट। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मुश्किल नहीं है और आने वाले समय में मिलजुल के काम करेंगे तो कोई भी टारगेट अचीवेबल है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपको, हार्ड वर्क, निरंतर हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। इसके लिए आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको अपनी लीड जनरेशन कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको लीडरशिप डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी अपने नीचे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पिछले साल वाली एक्साइटमेंट बरकरार रखेंगे और दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करेंगे। सो दोस्तों, एक बार फिर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और सी यू ऑल एट दी ग्लोबल रैली इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल।